मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन। अभी आज हम चर्चा करेंगे राजद की कार्य समिति की बैठक पर। राजद की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक शुरू हो गई है। पहले दिन 10 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ वो राजनीतिक प्रस्ताव जो थे वो उसके लबोलुभाव ये रहे कि पार्टी की कमान लालू प्रसाद के पास रहेगी और अगर सरकार बनती है प्रदेश में तो सरकार चलाने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की रहेगी। ये इससे भी साफ हो गया कि इस बैठक में मीसा भारती नहीं थी और राबड़ी देवी भी नहीं थी, तो इसका मतलब है कि लालू परिवार भी इस पर अब अपनी मुहर लगा दिया है, जो कि पहले से ही अमूमन ऐसा था कि इस पर मुहर लगी हुई है, लेकिन कल के राजनीतिक प्रस्ताव में ये स्पष्ट हो गया। राजनीतिक प्रस्ताव पर चितरंजन गगन ने राजनीतिक प्रस्ताव को पेश किया और शिवानंद तिवारी और रामचंद्र पूर्वे ने इसका समर्थन किया है। राजनीतिक प्रस्ताव में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहा वो ये था कि महिला सशक्तिकरण को इस बार पहली बार उसमें जोड़ा गया है। इसको दो एंगल से देखा जा रहा है। एक तो महिलाओं के ऊपर जो हाल फिलहाल में अत्याचार बढ़े हैं, और जैसे हैदराबाद, उन्नाव, मुजफ्फरपुर की घटना को अगर हम ध्यान से देखें तो इन सारी घटनाओं को लेते हुए पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में इसको जोड़ा गया है। यह पहला अवसर है कि जब राजे जी महिला सशक्तिकरण को अपने इसमें जोड़ा है, राजनीतिक प्रस्ताव में जोड़ा है। दूसरा, लालू यादव एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ ही उनको राजनीतिक प्रस्ताव में के साथ साथ यह अधिकार भी दिया गया कि जो पार्टी सांप्रदायिकता के खिलाफ गोलबंद है या फिर सांप्रदायिकता और अधिनायकवादी शक्तियों के खिलाफ जो पार्टियां राजनीतिक पार्टियां मैदान में रहेंगी उनके साथ लालू यादव राजनीतिक गठजोड़ कर सकते हैं, यह अधिकार भी उनको राजनीतिक प्रस्ताव के तहत दिया गया। हम आपको यहां बता दें कि चारा घोटाला के कई मामले में फिलहाल लालू यादव रांची जेल में हैं। तेजस्वी यादव बैठक में बड़ा आक्रामक दिखे। उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। राज में गिरती विधि व्यवस्था पर तो उन्होंने सरकार को अपनी ओर से पूरी तरह से घेर लिया। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी, आप हरियाली को लेकर शहर में प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है जब किसी प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ही पूरी तरह से खत्म हो गई हो। उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारी सरकार थी, हमारे माँ और पिताजी सरकार के मुखिया थे, तो आप लोग जंगल राज कहा करते थे, ये तो दानव राज की स्थिति है। यहाँ जब लोग जिंदा जला दिया जा रहा है, ऐसा हमारी सरकार जब थी तब नहीं था। कानून का हनक एकदम पूरी तरह से खत्म हो गया है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में रोजगार मिलते तो दिल्ली में जो बिहारी मरे हैं वो शायद नहीं मरते, क्योंकि यहाँ पर ही उन्हें रोजगार मिल जाता। रोजगार के यहाँ कोई अवसर नहीं है, इसलिए लोग नौकरी के लिए बिहार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो सरकार के पास कोई अपना रोड मैप नहीं है जिससे कि प्रदेश का विकास हो, बेरोजगारों को रोजगार मिले या अपराध पर कैसे कंट्रोल किया जाए। हम इन सारे मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे और जनता को बताएंगे कि सरकार कहां कहां विफल हुई है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 की लड़ाई 2020 में से ही शुरू करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की भाजपा सरकार को हटाना है तो इसके लिए हम लोग को 2020 से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी और हम इस बदलाव का बिहार भी बिहार से ही शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हर
राजनीतिक बदलाव की शुरुआत बिहार से हुई है तो केंद्र की भाजपा सरकार को हटाने की शुरुआत भी बिहार से ही होनी चाहिए। हम अब देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला। चाहे कोई भी मुद्दा हो देश के सामने, आपने देखा होगा चाहे बेरोजगारी जो दर है, लगभग 45 साल बाद ऐसा बेरोजगारी बढ़ा है जो 45 साल से पहले हम लोगों ने नहीं देखा। आज देखिएगा देश आर्थिक स्थिति से किस प्रकार से आर्थिक जो है हम लोगों का पीछे होता जा रहा है, जीडीपी जो है वो गिरता जा रहा है और देश में कहीं ना कहीं से जो जहर और नफरत की राजनीति जो की जा रही है ये हम लोगों ने देखी। हमारा संविधान खतरे में, सामाजिक न्याय पे हमला बोला जा रहा है, देश की एकता खतरे में है, तो राष्ट्रीय जनता दल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ये ऐसी शक्तियों को जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं हम लोग उनसे लड़ने का काम करें और देश को बचाने का काम करें, अपने संविधान को बचाने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी 11वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जिसमें पूरे बिहार में नहीं बल्कि देश के हर एक कोने को